अज असी आए हाँ दुनिया की एक अजिही जगह जिथे बरतानवी हकूमत ने अपने गोडे टेके, एक एहोजी जगह जिथे पंजाब ने पंजाबियों ने ते पंजाबियत ने अपनी जित दा चंडा बुलंद किया। असी आए हाँ रोपड़ दी उस जगह ते जिदा ना है विरासती चौंकी सरकारे खालसा महाराजा रणजीत सिंह। ए ओ जगह है जिथे महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग दे नाल 1831 दे विच इक संधि कीती ते पंजाब देश दी हद नू निर्धारित कीता सीगा। ते पंजाब देश दी हद जिहड़ी है ओ सतलुज दे इस पासे यानी कि नवां शहर आले पासे मिट दित्ती गई सी। बरतानिया फौज जो पूरे विश्व नू जित्तण दे लई मशहूर सी, जिहदा सूरज कदे वी छिपदा नहीं किया जांदा सी, ओ पंजाबियां दे नाल संधि करन लई मजबूर होई। इस रोपड़ जिले दे सतलुज दरिया दे किनारे दी जगह एक हेरिटेज जगह जिथे अज तो कई सौ साल पहला तोपां बीड़ के महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाबियां दे जोर दी अजमाइश कीती सी। कुछ साल बाद इत्थे एक झंडा जिन्हों खंडा साहब भी कह सकते हैं लगाया गया ते ए खंडा साहब पंजाबियां दे राज दी खालसा राज दी एक अदुत्ती निशानी है। कहा जांदा है कि आजादी दे संग्राम दे दौरान भी पंजाब देश लई भारत देश लई जिहड़े घुलाटिए होए ने उन्होंने इत्थे आके अपना प्राण लिया, लेकिन अफसोस समय दीआं सरकारां दा या साडे समाज दे उन्हां लोकां दी ध्यान ना देण दी बिरती दा कि इस इन्नी मुकद्दस जगह नूं उस तरीके नाल सांभ नहीं पाए। पर हुण कुछ जागरूक लोकां दी मेहनत कारण स्वराज माजदा दे सहयोग नाल इस जगह दी नवी उसारी दा प्रोजेक्ट शुरू कीता गया। आओ वेखदे आं झात मारदे आं कि इह विलखण प्रोजेक्ट अपने आप च विलखण क्यों है। इस जगह दी एंट्री सतलुज दरिया दे हैड वाले पुल नूं पार करके नूरपुर बेदी वाला मोड़ मुड़दे सार रखी गई है। चंगी गल इह है कि पंजाबियां दी इस अदुत्ती जगह दे नवीनीकरण दा काम वी पंजाबियां दे हत्थ ही है। इत्थे ठेकेदार मिस्त्री ते मजदूर सारे पंजाबी ने। पहाड़ी बनस्पति नूं बिना नुकसान पहुंचाए प्राणी पगडंडी नूं बहुत ही वधिया तरीके नाल आसान पौड़ियां विच बदल दिता गया है। इन्हां आसान पौड़ियां नूं चढ़ के पहाड़ी दी टीसी दा नज़ारा बहुत ही रमणीक है। बराबर करना फर्श पाना बहुत ज्यादा कीमती टाइम सी, क्योंकि 6-7 महीने तो सानू ਇਹਦੀ ਅੜਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ।